सैटेलाइट पैच कितनी देर में बाहर निकल जाएगा? 15 मिनट में रेंज के बाहर होगा। टीम लीडर तैयार हो जाओ, पैकेज मेरे पास लाना। कॉपी? कॉपी। वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अपना पैकेज दिख रहा है, आपके ऑर्डर का इंतजार है। टीम लीडर तुम आगे बढ़ सकते हो। के साथ मेरी डील हुई थी। कार में बैठो। हाँ ठीक है, हो जाएगा। पहले पैसे भिजवा देना, बिना पैसों के काम नहीं करते। हाँ ठीक है, ओके, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? लिटमैन पेट्रोव्स्की, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। $10,00,000 देने पड़े तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। पैसे वापस मिल जाएंगे, तुम भरोसा रखो।
लिटमैन, तुम हर बार यही कहते हो। मुझे लगने लगा है कि मैंने एक गलत आदमी को चुन लिया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे नाकामी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने इससे कहा था कि तुम कायरो से बाहर निकलने का इंतजाम करोगे और अब एनएसए हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो लिटमैन, मुझे कोई अच्छी खबर दो। बताओ, आयरिस तो सुरक्षित है ना? हाँ, आयरिस बिल्कुल सुरक्षित है। और मुझे दूसरे पीस की लीड मिल गई है, वो टर्की में है। तो फिर मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करूं क्या? नहीं, वहां मेरे कॉन्टैक्ट्स बड़े ही सॉलिड हैं, भरोसा रखो। कैसे रखूं? क्योंकि बहानों के मामले में तुम सारी हदें पार कर चुके हो। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, एक भी सेकंड ज्यादा नहीं। मैम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे उसके बारे में बताना चाहिए था, यही हमारी डील थी। आज अगर मैं ना होता तो तुम्हारे सामने 3 लाशें पड़ी होती। लिटमैन निकल गया। हाँ, मैं जानता हूँ निकल गया। उसके पास आयरिस नहीं था, मतलब उसने उसे कहीं छिपा दिया है। इससे पहले वो आए और आयरिस को जोड़कर कुछ करे, हमें उसे ढूंढना होगा। ये क्या है? ऑक्टेवियस ने मार्क एंथनी और क्लियोपेट्रा की मौत के बाद इजिप्ट पर हमला किया। उसने रोम का खजाना इजिप्ट के गोल्ड और आर्टिफैक्ट से भर दिया, जितना मिला लूट लिया। तुम्हारा मतलब है कि आई ऑफ द स्टार आज भी वेटिकन के तहखानों में है? नहीं, मेरा मतलब है वो वहाँ हो सकता था। कॉन्स्टेंटीन ने रोमन एम्पायर की राजधानी रोम की जगह कॉन्स्टेंटिनोपल को बना दिया था। खजाना भी उसके साथ चला गया, सब कुछ चला गया। आई, उगरिट का खजाना, सब कुछ। और तुम्हें सिर्फ ये मिला? उन्होंने सिर्फ एक कॉइन वहां क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रोमन मौत के बारे में अलग राय रखते थे। वो मानते थे कि अगर मरने वाले की दोनों आंखों में एक एक सिक्का रख दिया जाता, वो सीधा जन्नत में जाता है। उनके मुताबिक ये एक तरह की रिश्वत थी। इसका मतलब आई आज भी इस्तानबुल में है? शायद रोमन्स जानते भी नहीं थे कि उन्हें क्या मिला है, क्योंकि अगर वो जानते तो आई की पावर के बारे में कोई ना कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जरूर मिलता। अब मैं टर्की के उस टॉप एंटीक्विटीज डीलर से मिलने वाला हूँ जो इस तरह की चीजें खरीदता और बेचता है। लिटमैन भी यही करने की सोच रहा होगा, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैंने अखेनाटन की कब्र में से देखा था। रिसर्च से पता चला कि इजिप्शियंस मानते थे आई एक पवित्र बॉक्स में रखी है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। कॉर्पोरल, इसे हमारे डेटाबेस में स्कैन करके देखो कि क्या मिलता है। जी। तुम्हारा कंधा कैसा है? मैं ठीक हूँ। यहाँ कुछ तो मिला है। बढ़िया, इसके बारे में और कुछ बता सकते हो? ये फोटोग्राफ 1970s की शुरुआत की एक प्राइवेट ऑक्शन बुक की है। इस पीस को इस्तांबुल के अंताकियन सन्स एंटीक्विटीज में रखा गया था। लिखा है कि बाद में इसे $1,00,000 में प्राइवेट कलेक्टर को बेच दिया गया। चलो, एक लीड तो मिली, अंताकियन सन्स। उसके बारे में जितनी जानकारी है सब ढूंढ निकालो। मैम, उनके बारे में इतनी जानकारी है। रुको, पीछे जाओ, पीछे। क्या? कुछ नहीं। रुको रुको रुको, ये क्या है? एंटाकी का बेटा और नाडिया एक ही यूनिवर्सिटी में थे और इन्हें देखकर लग रहा है ये काफी करीब थे। नहीं, जब कोई अमेरिकन सवाल पूछता है तो समझ आता है, लेकिन जब एक पुराना आशिक पूछे तो बात अलग होती है। उसे यहाँ बुलाओ अभी। ये सही नहीं है, तुम गलत कर रही हो। इसका एहसास नहीं कि ये मामला हम सबसे बढ़कर है। अभी अभी लिटमैन के पीछे गए अमेरिकी सैनिकों की लाशें यहाँ आई हैं, वो इसके ताजा शिकार हैं। और फ्रेडरिक को भूल गए? सुनो, ये बिल्कुल मत समझना कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया तुम्हें?
कैसे हो? बढ़िया। फिर मिलकर खुशी हुई तारिक। थैंक यू जैक। तुम मेरे लिए खास चश्मा ढूंढोगे क्या? खास चश्मा? हाँ, ढूंढोगे क्या मेरी आंखें बचाने के लिए? मेरा पहला काम यही होगा। ओह थैंक यू जैक, थैंक यू। आने के लिए शुक्रिया। हमने साथ में शुरू किया था और इसे खत्म भी साथ ही करेंगे। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी तबाही रोकने आई हूँ, इसलिए हम जितनी जल्दी मिस्टर अंटार्की से मिल लें उतना अच्छा होगा, ठीक है? हाँ। तो तारिक। हाँ मुझे मालूम है वो मेरे पीछे पड़े हैं। हम अपना काम बहुत तेजी से करेंगे, डोंट वरी। हाँ हम उस पर नजर रख रहे हैं, खबर देता रहूंगा। आर्मेंड एंटाकी, चलो। अंताकी के बेटे के साथ कॉलेज में थी? फुआद। हाँ। फुआद। तुम ये बात कैसे जानते हो जैक? ओ, मैं उन्हें ऑनलाइन ढूंढ रहा था, मेरा मतलब इंटरनेट पर। मैंने भी इंटरनेट के बारे में सुना है। तुम दोनों की बड़ी अच्छी फोटो है, तुम बहुत खुश लग रही हो। तुम लोग अच्छे दोस्त थे? हाँ थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब नहीं है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। देखो जैक, एक बात तो पक्की है, अगर उनके पास कोई जानकारी होगी तो वो हमें जरूर बताएंगे, डोंट वरी। रिलैक्स, अब झगड़ा मत करो। वाओ, ये जगह तो किसी म्यूजियम जैसी है। माय डियर नादिया, आज भी नहीं बदली हो तुम। माफ करना, फुआद नहीं आ पाया, वो जरूरी काम से जिनेवा गया है। उसने तुम्हें हाय कहा है, बैठो ना। थैंक यू। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, और इतनी शॉर्ट नोटिस पर हमसे मिलने के लिए थैंक्स। हाँ शुक्रिया। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम एक खास चीज की तलाश है। एक आर्टिफैक्ट था कॉन्स्टेंटीन ट्रेजरी का, शायद आपने भी इसे देखा हो। हाँ ये बॉक्स मुझे अच्छी तरह से याद है। आपको याद है? हाँ, एक इजिप्शियन रेलिक पर क्रिश्चियन सिंबल्स की वजह से ये पीस बड़ा ही यूनिक था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने इसे किसे बेचा था? बहुत पुरानी बात है यंग मैन, मुझे ये भी याद नहीं है कि इसके रिकॉर्ड्स मैंने कहाँ रखे हैं, मुझे अपनी फाइल्स में देखना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपका वक्त और ये जानकारी बेहद कीमती है, हमें इतना वक्त तो दे ही सकते हैं आप। तुम बायर हो या फिर एक कलेक्टर हो? सर मैं बायर हूँ। बहुत खूब, क्योंकि मैंने ये नाम पहले भी सुना, जैक हंटर। जहाँ तक मुझे याद है वो एक ट्रेजर हंटर था, लेकिन जरूर वो कोई और ही होगा। तुम्हारा क्लाइंट कौन है? उनका नाम है गुप्त कुमार, शायद आपने ये नाम भी सुना हो। ये बात उतनी मायने नहीं रखती, मैं नादिया और उसके दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरा फोन नंबर है, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कल फोन करता हूँ। ओके थैंक यू, बाय। शुक्रिया, गुड बाय। मुझे उसकी फाइल्स देखनी होंगी, वो जितना जानता है उतना बता नहीं रहा। हाँ लेकिन जब तक वो हमें जानकारी नहीं देते हमें उनकी बात माननी पड़ेगी जैक। देखो नादिया, हमारे पास गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। ओ, मैं जरा कार लेके आता हूँ। तुमने
मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं उस परिवार को पहले से जानती हूँ। मैं फुआद से बात करूंगी, तुम मुझे काम अपने तरीके से करने दो। आखिर उनको इससे ऐसा क्या काम पड़ गया? ला, क्या बात है, मेरी बीवी को इन लोगों से कुछ तो सीख ही लेना चाहिए। अब हम सामान रख कर कुछ खा लें क्या? नहीं नहीं नहीं, खाना बिल्कुल नहीं। अब पिछली बार जब मैं घर गया था तो मेरी बीवी कहने लगी कि कितने मोटे हो गए हो, इसलिए अब मैं और खाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। okay, okay. मैं दो मिनट में आता हूँ। तुम्हें क्या पता लगा है? अरमान अंताकी बड़ा ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। वो देखना चाहता है हम कितने पैसे दे सकते हैं। मगर मेरे पास एक सस्ता उपाय है, तुम उसके हार्ड ड्राइव में सेंध लगा सकती हो। वो हमारी ग्रिड पर नहीं है, लेकिन उसके कंप्यूटर में जो भी होगा पता लग जाएगा। वो अभी अपने बेटे से बात कर रहा है, मैं तुम्हें बताती रहूंगी। या तो उसके हार्ड ड्राइव में सेंध लगाओ या फिर चेकबुक तैयार कर लो। जो भी करना होगा करेंगे जैक। इवनिंग। ये सब क्या है, मेरे घर से निकल जाओ। माफ कीजिए पर मुझे एक बड़े ही रेयर पीस की तलाश है और मुझे लगता है कि आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। तुम चाहते क्या हो? हमें कॉन्स्टेंटिन काल के एक बॉक्स की तलाश है। वो सोने का है और उसके ऊपर इजिप्शियन और क्रिश्चियन सिंबल्स बने हैं। लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अब तो तुम समझ गए होगे ना? हाँ, समझ गया। ये सब मत करो। बताओ क्या जानते हो? उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन उसे मैंने कई डेकेड्स पहले बेचा था। अपना नाटक बंद करो और बताओ मुझे। लगता है ये ऐसे नहीं बोलेगा। तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ है? इसे घुटनों के बल बिठाओ। प्लीज नहीं नहीं। ये हुई ना बात। एविनेस कैंड्रियन, कुछ याद आया? हाँ, मैं जानता हूं ये कहां मिलेगा। तो बोलो। 61 टैक्सिम बुलेवार्ड। इसके बारे में और कौन कौन जानता है? कोई नहीं कसम से। और कोई जान भी नहीं पाएगा। अब चलो। पानी बहुत ही मजेदार, मुझे बस यही चाहिए। थोड़ा और चाहिए।
मैं अभी आता हूँ। तुम अपनी सरकार के लिए काम कर रहे हो ना? सही कहा ना? तुम नहीं कर रही हो? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जैक। तुम कई ऐसी बातें जानते हो जो इंटरनेट से नहीं मिल सकती। लिटमन को रोकना है चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए मैं हर जरिया इस्तेमाल करूंगा। जानती हूँ तुम लिटमन को रोकना चाहते हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि तुम्हारी सरकार का क्या एजेंडा हो सकता है जैक? मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे साथ जो है उससे तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ। मेरा यकीन करो नादिया। अब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन भी नहीं रहा जैक, लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, उस आर्टिफैक्ट को बचाने के लिए मैं किसी कीमत पर उसे गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। मैं अब होटल वापस जाने की सोच रहा हूँ, तो क्या तुम लोग थोड़ी कसरत करना चाहोगे? हाँ? Excuse me. हमें अभी अभी एंटार्किस विला के आसपास पुलिस की हलचल दिखी है। कोई ऐसी बात जो तुम बताना चाहते हो? देखो, हमने कुछ नहीं किया, हम घंटों पहले वहां से आ गए थे। वहां कुछ तो गड़बड़ है। लिटमन, हमने इंटाकी का एक ईमेल भी इंटरसेप्ट किया है जो उसने अपने बेटे फुआद को भेजा था। उसमें लिखा है तुम जल्दी से इस्तांबुल लौट आओ, यहाँ एक बड़ी डील करनी है। हमें ये भी पता लगा है कि किसी आइवन इस्कांड्रियान ने 1970s में वो पीस खरीदा था। बताओ वो कहाँ मिल सकता है? 3 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एक मिनट, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। ओह नो, क्या हुआ? जैक, क्या हुआ? अरमान अंताकी नहीं रहे। नारिया रमदान जी? हाँ। मैं यहाँ अरमान अंटाकी की हत्या की तहकीकात करने आया हूँ। हमें वहाँ आपका बिजनेस कार्ड मिला था। मैं आप लोगों के पासपोर्ट देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, अंदर आइए। ऐसा लगता है आप लोग आज मिस्टर अंटाकी से मिलने गए थे, उसकी कोई खास वजह बताना चाहेंगे? हमें एक ऐसे आर्टिफैक्ट की तलाश है जो काफी पहले उनके पास था। उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद करेंगे। क्या हुआ? आप लोग आज शाम के 5 बजे के आसपास कहाँ थे, और आप लोगों के पास उसका कोई गवाह है? हम यहीं थे इंस्पेक्टर। अगर आप होटल के सिक्योरिटी कैमरा में चेक करेंगे तो आपको सच का पता लग जाएगा। हाँ, वो तो मैं चेक कर ही लूंगा, लेकिन इससे आप शक के घेरे से बाहर नहीं होते। आगे की जांच होने तक मैं आप लोगों का पासपोर्ट अपने पास ही रखूंगा, और आप पर मेरी नजर रहेगी। वो मेरा पासपोर्ट ले गया। फुआद, मुझे तुमसे मिलना है। ओके।
तुम्हारे डैड के लिए मुझे बहुत अफसोस है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस तहकीकात कर रही है लेकिन कई बातें समझ से बाहर हैं। तुम मेरे डैड से मिलने उनके घर गई थी? फुआद, ये मेरे कलीग्स हैं, ये है जैक हंटर और ये है तारिक खलीफ। हेलो, मुझे उनकी मौत का अफसोस है। थैंक यू। मुझे भी अफसोस है। थैंक यू। पुलिस तुम तीनों के बारे में काफी सवालात कर रही है। फुआद, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम्हारे डैड की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनसे मिलने वाले तुम लोग ही आखिरी इंसान थे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा तुम और खूबसूरत हो गई हो और तुम्हें तलाश है एक आर्टिफैक्ट की। आइवन एस्कांड्रियान नाम के एक शख्स ने कई साल पहले तुम्हारे डैड से वो आर्टिफैक्ट खरीदा था। वो शख्स नहीं रह पर गया, हम उसकी विधवा से मिल सकते हैं? नहीं, शायद उसके बारे में डैड के रिकॉर्ड्स में कुछ हो। उसका मेरे डैड के कत्ल से क्या संबंध है? क्या बता सकते हैं कि डॉयच, आप जर्मन बोलती हैं? जी हाँ, आपको कैसे पता? मेरी नज़रें तेज़ हैं। मैं अपने पुराने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जो कि आसपास ही यहीं कहीं रहता है, इवान एस्कांड्रियान। क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानती हैं? एस्कांड्रियान? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन उनकी फैमिली कई साल पहले यहाँ से चली गई थी उनकी मौत के बाद। मौत के बाद? हाँ, सॉरी, गुड डे। वो मर गया, मरते मरते उसने मुझे धोखा दे दिया। तो अब क्या करें? हमें पता लगाना होगा कि उसकी बीवी और एस्टेट का क्या हुआ। तब तक ध्यान रखना कि हंटर वहां ना पहुंच पाए, इस बार वो मुझे हरा नहीं पाएगा। चलो। माफ करना, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ये मेरा पुश्तैनी घर है। पर यहाँ एक कत्ल हुआ है, उनका कंप्यूटर कहाँ है? वो तो पुलिस ले गई, लेकिन मेरे डैड हार्ड ड्राइव में बैकअप रखते थे। मेरे ख्याल से वो यहाँ होना चाहिए। शायद यही आखिरी बैकअप है। तुम्हें ये याद है? हाँ बिल्कुल, हमने इसे कश्मीर में साथ में खरीदा था। ये हमेशा से मेरे लिए बहुत खास रहा है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई और बैकअप नहीं है, और बाकी सब तो पुलिस ले गई है। कोई ना कोई और जरिया तो होगा, किसी को तो पता होगा कि वो औरत हमें कहाँ मिल सकती है। हाँ, एस्कांड्रियान परिवार भी उस चर्च को काफी दान देता था जिसमें मैं और मेरे डैड जाया करते थे। क्या उस चर्च में हमें कोई जानकारी मिल सकती है? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। मैं ड्राइव करूंगा। मैं भी कर सकता हूं। चाबी मुझे दो तारिक।
जैक तुम ये गाना सुनो, कमाल का म्यूजिक है कसम से। क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या कर रहा तारिक? या तो लिटमैन होगा या फिर पुलिस होगी, है ना? लिटमैन? ये लिटमैन कौन है? जहाँ हम जा रहे हैं वो वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। फिर से झटके दोगे हमें? सही समझे। तैयार रहो दोस्तों। जैक, फुआद अब तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? स्टिगलल एवेन्यू के सेंट एंड्रयू डी पेडोवा कैथेड्रल जाना है। यहाँ से लेफ्ट लेना है या राइट? राइट लो, राइट। बचे गाड़ी से बाहर निकलो। तुम लोग आखिर ये क्या कर रहे हो? सुना नहीं, गाड़ी से बाहर निकलो जल्दी। तारिक तुम ठीक हो? नहीं नहीं, मेरा बहुत बुरा हाल है। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने ही वाला था। मैं कमजोर आदमी हूँ, मैं अब डाइटिंग बिल्कुल नहीं करने वाला। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कैथेड्रल कितनी दूर है? कुछ ही दूरी पर है। यहीं रोक दो, आगे पैदल जाना ही सही होगा। ओके। Oh.
गए। नाम फुआद अंताकी है, क्या तुम फादर को बुला दोगे प्लीज? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। थैंक यू। फुआद, मेरे बच्चे। मिलकर खुशी हुई फादर। तुम्हारे डैड की मौत की खबर सुनकर बुरा लगा। मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की थी। जैसे ही मुझे ये खबर मिली, तुम ठीक तो हो? हाँ, किसी तरह अपने आप को संभाले हुए हूँ। मुझे आपसे एक मदद चाहिए फादर। हाँ बोलो ना। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ फादर। आइवियन स्कैंड्रियन की बीवी को बहुत जरूरी काम है उनसे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर एस्कैंड्रियन की वसीयत के मुताबिक उनकी मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति चर्च को मिल गई थी। बदले में हमें उनकी बीवी की जिंदगी भर देखभाल करनी थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगी? देखो, फिलहाल वो इसी चर्च की इजमिर वाली फैसिलिटी में बड़े आराम से रह रही है। हाउस ऑफ द वर्जिन मैरी। हाँ, तुम जानते हो? बचपन में अक्सर जाया करता था, लेकिन अब मुझे वहाँ का रास्ता भी याद नहीं है। क्या आप मुझे वहाँ का पता बताएंगे फादर? हाँ हाँ, जरूर जरूर। लिखने के लिए कुछ है? हाँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस कार के ड्राइवर को जानते हैं? जाओ, इन्हें हिरासत में ले लो। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से सच बोल रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी बीवी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। फिक्र मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगा, वादा करता हूँ। मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगी। वो तो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल कर चला इतना गया। मत सोचो जैक, उसके डैड का कत्ल हुआ है, तुम भी जानते हो। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? सबसे पहली बात तो है बेतहाशा कार भगाना, एक पुलिस ऑफिसर की बात की अनसुनी करना और हादसे की जगह से भागना। अब कुछ और भी किया है तो वो भी मुझे बता दो। हमारा पीछा किया जा रहा था, आप भी जानते हैं। इन्हें हवालात में डाल दो, सुबह तक सब याद आ जाएगा। अगर मेरी एम्बेसी को इसके बारे में पता लग गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है इंस्पेक्टर। आप ये तो कतई नहीं चाहेंगे ना कि वो लोग यहाँ आकर आपसे एक बेगुनाह अमेरिकन को गिरफ्तार करने की वजह पूछें? पता नहीं, देखते हैं तुम्हारी एम्बेसी अपने दरवाजे पर फरियाद कर रहे एक खतरनाक अमरीकी के बारे में क्या कहती है। इन्हें एक फोन करने दो। आपकी बड़ी मेहरबानी है इंस्पेक्टर। कोई बात नहीं, मैं इनके साथ नहीं आता तो ये अच्छा होता। क्या सोच रहे थे? पहले शांत होकर मेरी बात सुनो। अगर तुम जानते हो ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी कोई भी बेवकूफी को बर्दाश्त करें। लिज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मेरी बात तो सुनो। मैं तुम सुनकर ऊब चुकी हूँ। कहीं मैंने तुम्हें अपने साथ रखकर कोई गलती तो नहीं कर दी? बताओ, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन तब तक आराम से बैठो और अपना मुंह बंद रखना, समझ गए तुम? मैं नहीं चाहती कोई और ऑफिसर मेरे वॉइसमेल पर कोई शिकायत करे। इसका मतलब आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। नादिया, बाहर एक फोन रखा, तुम्हें कोई जादू दिखा दो। ये सब तुम्हारी गलती है।
तारीख प्लीज, तुम कुछ नहीं जानते इसलिए चुप रहो। हाँ, तुमने सही कहा जैक, ये नहीं जानता, लेकिन मैं भी तो कुछ नहीं जानती हूँ, तो प्लीज हमें कुछ बता दो ना। जैक, मैं बताती हूँ कि तुम शुरुआत कहाँ से करोगे। सबसे पहले उस शख्स का ही नाम बता दो जिससे तुम फोन पर बात करते रहते हो। तुम किसके कंट्रोल में हो जैक? मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पता है, यही सच है। तो फिर उन्हें खुश करने के लिए अपनी सारी हदें क्यों पार कर रहे हो? वो एनएसए के लिए काम करती है, उसका नाम है लिज जॉनसन। फ्रेडरिक की असिस्टेंट? हाँ, वो फ्रेडरिक के साथ काम करती थी। मैं सीरिया चला गया, फिर उसने बताया कि वो एनएसए के लिए काम करती है और उसे मेरी मदद चाहिए, और मैंने हाँ कर दी। नादिया, मैं भी इस बात से खुश नहीं था, मेरा यकीन करो। और कुछ? तो तुम्हें इस बात का दुख है? वो जाने दो। अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में? फुआद, तुम जानना चाहते हो? हम कॉलेज में मिले थे, वहां हम दोनों आर्कियोलॉजी पढ़ रहे थे। एक दूसरे से प्यार हो गया और मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिता दूंगी, लेकिन सब कुछ बदल गया। कैसे बदल गया? वो बदल गया या फिर तुम? हम 3 साल तक साथ रहे और फिर उसने अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए मुझे इस्तांबुल बुलाया। जब मैं मिस्टर अंटाकी से मिली तो उन्होंने अच्छी तरह से स्वागत किया। उसके बाद मैं अपने घर लौट आई और कुछ टाइम बाद मुझे फुआट का फोन आता है। उसने अपने डैड को बताया ही नहीं था कि मैं एक मुस्लिम हूं। उसके डैड ने मुझसे मिलने के लिए उसे मना कर दिया था। और वो मान गया? हाँ, क्योंकि वो परिवार से अलग नहीं रह सकता था। मैं मान गई। मैं कभी नहीं मानता। जब तुमने मुझे फोन करके कहा कि अंटाकी फैमिली ने ही आई ऑफ द स्टार की डील की थी, तब मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि तुम्हारे पास एक लीड थी और तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी, और मैं देखना चाहती थी कि अब वो कैसा इंसान बन गया है। मुझे तो वो अच्छा ही लगा। बहुत ही अच्छा इंसान। ओह, गुड मॉर्निंग। हमने इस केस के मामले सुलझा लिए हैं और अब तुम लोग आजाद हो। हम समझते हैं तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। तुम तो सिर्फ मिस्टर हंटर के कारनामे देख रहे थे। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। माफी की कोई जरूरत नहीं, बस ऊपर वाले का करम है। मिस्टर हंटर, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? अपना सामान समेटो, तुम्हारी कार पुलिस स्टेशन के पीछे खड़ी है, और अपना ध्यान रखना। हम लिटमिन को ट्रैक नहीं कर पा रहे और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इंस्पेक्टर फाटी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। टाइम बहुत कम है जैक। देखो, इस काम के लिए मुझसे ज्यादा बेताब कोई भी नहीं होगा। इस कांड्रियान की विधवा का पता लग गया है, उम्मीद है वो उस आर्टिफैक्ट तक पहुँचने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, आप यहाँ से चलो। मेरी उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत है। क्या? चलते रहो और मेरे कांटेक्ट में रहना। हाँ, सब ठीक है, मैं आराम से बात करते रहना। हाँ, मैं कांटेक्ट में रहूंगा। जैसा मैं समझती थी उससे तो वो बहुत अलग निकली। फुआर को मैंने बता दिया है कि हम रिहा हो गए। उसने कहा है कि कॉन्वेंट यहाँ से 90 किलोमीटर दूर साउथ में है। मैंने कहा है कि हम उसे लेने आ रहे हैं। उसे साथ ले जाने की क्या जरूरत है? कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं बहुत जल्दी ये काम खत्म करना। जैक फॉर्ड इस देश को जानता है, वो इस मामले से जुड़े लोगों को जानता है, और वो अपने डैड के कातिलों को सजा दिलवाना चाहता है। हमारे लिए वो बहुत काम का है जैक। कोई और ऑब्जेक्शन? और अब मैं ड्राइव करूंगा।
पहुंच गए। तो यही वो जगह है? हाँ। मर्दों का अंदर जाना मना है नादिया, अब तुम्हें ही उनसे बात करनी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हेलो। मरहबा। मरहबा, क्या मदद कर सकती हूँ? मैं सिस्टर एस्कॉन्ड्रियन से मिलना चाहती हूँ। मैं अंटाकी फैमिली की दोस्त हूँ। प्लीज अंदर आइए। हर जगह उंगली क्यों करते हो तुम? उनका रूम उस तरफ है, उनकी उम्र ज्यादा है, आपको सब्र से काम लेना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हेलो, तुम मुझे कहानी सुनाने आई हो? आई एम सॉरी। ओह, मैं तुम्हें कोई और समझ रही थी। मुझे थोड़ा कम दिखता है, पर मेरे पास बेहतरीन म्यूजिक है। आओ बैठो ना। थैंक यू। क्या तुम्हें ओपेरा पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है, खासकर ये वाला। ये बहुत ही सुंदर है। तितली अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि 3 साल तक उससे दूर रहने के बाद भी उसे यकीन है कि वो वापस जरूर आएगा। अश्कन गोदुश कौर्टुश, इसका मतलब है प्यार अंधा होता है। ये ओपेरा का एक बहुत बड़ा सबक है। मिसेस एस्कॉन्ड्रियन, क्या आपको आर्मंड अंटाकी याद हैं? हाँ हाँ, वो मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है? उनका बेटा फुआर्ड बाहर खड़ा है, उसने आपको हेलो कहा है। हाँ, और तुम उनकी बीवी हो, नादिया नाम है ना? नादिया, हाँ। मैं इस उम्मीद में आई हूँ कि आप मेरी मदद करेंगी। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट की तलाश है जो आपके हस्बैंड ने एक चर्च को डोनेट कर दिया था। मैं इसे ही ढूंढ रही हूँ, ये देखिए। अरे हाँ, ये बड़ा रेयर पीस है, एंशिएंट उगारिटिक, इजिप्शियन और क्रिश्चियन सिंबल्स वाला। हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड का ये एक फेवरेट पीस था। हाँ। उन्होंने कई साल पहले कोनिया की एक मॉनेस्ट्री को डोनेट कर दिया। थैंक यू सो मच मिसेस एस्कॉन्ड्रियन, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू। तो क्या कहा उसने? कुछ पता भी लगाया नहीं। मैंने उन्हें उसकी फोटो दिखाई तो उन्होंने उसे फौरन पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने उसे देखा था। वो अभी कोनिया की एक मॉनेस्ट्री में रखा हुआ है। वो वोल्केनोस के पास है, कोनिया के साउथ में, कैरापेनार। वोल्केनोस? मैं लिस को इसकी जानकारी देता हूँ और बता देता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने उन्हें तुम्हारा हेलो बोल दिया था, वो मुझे तुम्हारी वाइफ समझ रही थी। उन्हें पता था? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो? ओ जैक, देखो मुझे एक सड़क मिल गई जो उन वोल्केनोस को अवॉइड करती हुई जाती है। अच्छा ये बताओ जैक, क्या तुम कोनिया की हिस्ट्री जानते हो? बिल्कुल,
वहां से कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो 3000 BC के थे। असल में 7000 BC के। उसे बीजेंटाइन्स का आइकोनियम कहते हैं। हाँ, उन पागल बीजेंटाइन्स का। आइकोनियम उसका रोमन नाम था जैक। हैरानी की बात है कि तुम नहीं जानते। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी और पढ़ाई की जरूरत है। हाँ, कर ही रहा हूँ। ओ, देखो देखो, शायद एक्सीडेंट हुआ है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है, हम रुक नहीं सकते। जैक, शरीफ आदमी हमेशा मदद करते हैं। चलो ठीक है, रुक ही जाते हैं। लेकिन ये तो शरीफ आदमी नहीं। गाड़ी से बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी चलो, बाहर आओ। क्या इत्तेफाक है, दोबारा मिलकर अच्छा लगा जैक। चौक गए क्या? हाँ थोड़ा सा। तुम्हारे पकड़े जाने के बाद से हम तुम्हें ट्रैक कर रहे थे। तुम्हारा फोन कहाँ है जैक? गाड़ी में बैठो। और तुम भी मिस नाडिया, अंदर बैठो और लॉन्ग ड्राइव के मजे लो। ये एनएसए को कुछ देर तक बिजी रखेगा। अब चलो। मुझे उसके साथ 5 मिनट के लिए छोड़ दो, उसकी उंगलियां काट दूंगा, फिर वो बोलेगा। नहीं, उसे यहां लेकर आओ। इसे कहां ले जा रहे हो? मेरी फिक्र मत करो। हमें बात करने दो। इस बार तो हम लोगों ने काफी हंगामा खड़ा किया है ना? मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूं। अब देखो ना, पूरी दुनिया देख रही है कि इस बार पहले कौन फिनिश लाइन पार करता है, तुम या मैं? अच्छा इंसान या बुरा इंसान? मगर ये सब ऐसे नहीं चलता है। तुम हमारे काम का नियम अच्छी तरह से जानते हो। यहां कोई भी इंसान ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा। हम उसके लिए काम करते हैं जो ज्यादा पैसे देता है। पैसे? तुम्हें बस पैसों से ही मतलब है ना? तो ठीक है, मुझे अपना फोन दो, मैं कुछ कॉल्स लगाता हूँ। दुनिया में सिर्फ तुम्हारे ही दोस्त अमीर नहीं है, तुम्हें बस एक ही चीज से प्यार है ना, पैसा। बात सिर्फ कुछ पैसों की नहीं है जैक। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर मैं नहीं होता तो तुम इस वक्त जिंदा नहीं होते। मैंने तुम्हें बार बार बचाया। मुझे बचाया है तुमने? तुम पर एहसान है जैक। मेरे साथ हाथ मिला, ये बहुत सीधी सी बात है। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन अगर हम साथ मिल गए तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। स्टार तो एक बस मामूली सी चीज है। जरा सोचो, हम साथ मिल गए तो हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, तुम और मैं एक साथ, पहले की तरह। तुम्हें याद है जैक, हम बस यही तो चाहते थे, इसके मजे लेना। मार दो मुझे गोली। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास। तुम बेवकूफ हो जैक, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। मैं तुम्हें जितने मौके दे सकता था मैंने तुम्हें दिए, अब और नहीं। इसे भी बाकियों के साथ बंद कर दो।
तुम्हारा काम तमाम लिटमन। अपना मुंह बंद रख। तुम खत्म। चल। लड़की को यहां लाओ। नहीं, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। लटकन ये गलत है, इसे छोड़ दो। अरे रुको, रुको, रुक जाओ। तुम मुझे अपने बॉस के पास ले चलो अभी। मैं उन्हें आई की लोकेशन बता दूंगा। और नहीं। लेकिन उसके लिए एक डील करनी होगी। तुम्हें नहीं पता ये लोग कितने खराब हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो बॉस। फुआद, प्लीज मत करो। मिस्टर लिटमैन, तुम्हें क्या चाहिए? देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं और तुम भी हो। मुझे पता है कि आई कहां है। तो बताओ। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें अपने एक आदमी को यहां छोड़ना होगा। जैसे ही हम शहर पहुंचेंगे, मैं फोन करके इनकी सलामती का पता लगाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सही लोकेशन बताऊंगा। और जब तुम्हें आई मिल जाएगी, तब तुम वादा करो लिटमैन, मुझे तुम्हारा वादा चाहिए कि तुम हम चारों को आजाद कर दोगे सही सलामत। तुम मेरा वादा चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी नसों में उसी का खून दौड़ रहा है। ये तीनों जान दे देंगे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूं। अब तुम्हें क्या करना है तुम सोच लो। इस तरफ आइए मिस्टर अंटाकी। जैक, जैक फोहर ने डील कर ली है। बड़ा बेवकूफ है, आई मिलते ही लिटमैन उसे भी मार डालेगा। कैसी गंध है? नादिया, नादिया, तुम ठीक हो? हाँ, फुआद मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल गलत नादिया कर रहे हो। मैं हम जिंदा हैं। तुम ठीक हो? हाँ।
हमें कोन्या के मॉनेस्ट्री में जल्दी पहुंचना होगा। कैसे? चलो। जैक ने कितनी देर पहले कांटेक्ट किया था? करीब 3 घंटे पहले मैम। उसके स्मार्टफोन का जीपीएस देखो। आंकरा, कॉर्पोरल ये रीडिंग सही है? हाँ मैम, उनके सेलफोन लोकेशन की सबसे सही रीडिंग है। उसके नेकलेस के ट्रांसपॉन्डर को एक्टिवेट करो। मैम। एक ही वक्त पर दो जगहों पर कैसे हो सकता है? कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम फुआद है, फुआद अंताकी। मिसेज स्कैंड्रियन ने बताया कि आपकी मॉनेस्ट्री में एक आर्टिफैक्ट रखा है जो उनके हस्बैंड ने आपको दान में दिया था। ये उसकी फोटो है ब्रदर। जी हाँ, ये यहाँ पर है। क्या हम अंदर आकर उसे एक बार देख सकते हैं प्लीज? वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम शाम की प्रार्थना के बाद किसी को अंदर आने नहीं देते, ये यहाँ का नियम है। आप लोग कल आइए, ठीक है? लगता है तो मेरी बात समझे नहीं। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। सामने से हट जाओ वरना यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। आगे बढ़ो। जा, पूरी मोनास्ट्री को घेर लो और अगर कोई कुछ करे तो उसे गोली मार देना। तो मेरे साथ उस तरफ जाओ। इन्हें यहां से बाहर भेज दो। चलो चलो, निकलो यहां से। चलो बताओ वो कहां है? वहां है। यहां पर? हाँ, खोलो इसे। बाहर निकालो, ध्यान से। अब इसे यहां रख दो। मिस्टर अंटाकी, हमारी डील को फाइनल करते हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कहाँ है? वो लोग बॉक्स को अपने साथ ले गए। हाँ?
और फुआद कहाँ है? वो अंदर प्रार्थना घर में है। थैंक यू। देखिए ये बहुत जरूरी है, क्या आपने सुना वो कहाँ जाने की बात कर रहे थे? नहीं नहीं सुना। ठीक है शुक्रिया। फुआद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो लगा था कि हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। जख्म बहुत गहरा है लेकिन घबराओ मत, जल्दी भर जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि तुम मेरे सामने हो। हे, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं जानता हूँ कि हम जो चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरे डैड ने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फुआद बहुत देर हो चुकी है, ये तो तुम भी जानते हो ना। वॉय लेकर लिटमैन कहां गया है? मैंने उसे फोन पर बात करते सुना, वो वॉल्केनिक फील्ड में मिलने की बात कर रहा था। तुम्हारे पास तुम्हारा सेलफोन है? हाँ। प्लीज जैक बोल रहा हूँ। तुम आखिर थे कहाँ जैक? अगर तुम्हारी गली में फ्रेडरिक का नेकलेस नहीं होता तो तुमसे हमारा कांटेक्ट टूट गया होता। लिटमैन के पास वो आए है, मुझे लग रहा है कि वो उसे पेट्रोव्स्की को देने गया है। हमने उसे वॉल्केनिक फील्ड की बात करते सुना था, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? कॉनिया के साउथ वेस्ट के वॉल्केनिक रीजन में सारे इनकमिंग एयर और ग्राउंड ट्रैफिक पर नजर रखो। हम 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। हम भी वहीं आ रहे हैं, वहीं मिलते हैं। जैक वो स्टार पेट्रोव्स्की को नहीं मिलना चाहिए। नहीं ले पाएगा। अब हमें भी जाना होगा। मुझे डर था कि तुम बस यही कहने वाले हो। फुआद चलो चलो। वो सैटेलाइट के जरिए उन पर नजर रख रहे हैं। तब तो ये काम तुम्हारे आदमियों पर छोड़ देना चाहिए, राइट? मुझे लगता नहीं कि वो समय पर वहां पहुंच पाएंगे। हम तीनों को मशीन गन से लेस रेशंस के साथ लड़ना होगा। नहीं, हम चारों को। देखो तुम्हारी बात ना मानकर मैंने गलती की। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। हम तीन हो या चार खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अब सब कुछ खत्म होने वाला है? ऐसा ही लग रहा है। तो क्या अब तुम कुछ करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं लिटमैन को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा ही दिमाग मोटा है। मेरे ख्याल से अब काफी देर हो चुकी है। सुनो मेरे दोस्त, हम काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं, क्यों है ना, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। मैं बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं हूँ, तुम्हारी तरह बहुत होशियार आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को भी देखकर ये जान लेता हूँ कि वो इंसान कैसा है और वो क्या चाहता है, उसकी नीयत कैसी है। मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि जब प्यार आवाज देता है ना तो उसकी पुकार सुननी चाहिए। उसका नाम है नादिया रमदान। नादिया? हाँ हाँ नादिया। अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करना, सबसे अलग थलग रहना या फिर तुम्हारी बेताबी ये जिंदगी को और मुश्किल बना देगी। अपने दिल का दरवाजा खोलो और प्यार की आवाज को सुनो। अगर वो आवाज सुन ली तो तुम्हारी जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। अंदर आ जाओ। चाहती मैं उसके लिए खजाना ढूंढूं, वो मेरे बिना कहीं नहीं जाएगी और मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा।
आ ही गया। उसे हाँ, पर क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। पेट्रोव्स्की, लिपमैन, मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मुझे दिखाओ कि ये दोनों पीसेस मिलकर क्या कर सकते हैं। पहले एक काम की बात, तुमने आधे पैसे ही डाले, बाकी के पैसे कहाँ हैं? आधे ही डाले हैं, आधे इस आर्टिफैक्ट का कमाल देखने के बाद डाले जाएंगे। सावधानी के तौर पर। हाँ क्यों नहीं, गाड़ी आ रही है। ये क्या हो रहा है यहां पर? रोको से, हमकदों से। जैक, वो रहा जैक। आए मेरे पास है, पर आइरिस अभी भी उसी के पास है। पूरे इलाके को घेर लो। जैक बाहर आ जाओ। उन्हें तब तक रोकना होगा जब तक एनएसए यहां नहीं पहुंच जाती। अगर हम उन चट्टानों के पीछे पहुंच गए तो उन्हें कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। आसपास नजर रखो, अगर दिखे तो गोली मार देना। तुम ये गन लो फुआद। तारिक, तुम ये आयल हो, जितनी जल्दी हो सके उसके पीछे पहुंच जाओ। नादिया, तुम और फुआद पीछे से पहुंचने की कोशिश करो, और मैं उन लोगों का ध्यान बटाता हूँ। ये मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो, ये आए लोग उस तरफ पूरी तेजी से दौड़ो, समझे? तारीख, याद है तुम एक खुशहाल जिंदगी की बात कर रहे थे? यही उसका रास्ता है, तुम एक हीरो हो। ओके, तैयार हो? जाओ। जाओ। हाँ। अपना ध्यान रखना। मुझे वो गन दो। नादिया रमदान, बता नहीं सकता तुम्हें यहां देखकर मैं कितना खुश हूं। जैक हंटर कहाँ है? मुझे नहीं पता। जैक! नहीं, सॉरी जैक, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। हे, लिपमैन, तुम्हें हंटर चाहिए ना, वो यहां है।
इसे ले लो और हम दोनों को जाने दो यहाँ से। फिर मैं बताऊं कि वो आई कहाँ रखी है। फुआद अंटाकी, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मैं लड़की को छोड़ रहा हूँ। फुआद तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जाओ। पकड़ो उसे। तुम क्या कर रहे हो? अब बताओ मुझे, आए कहां पर है? वो वहां पर है, बड़ी चट्टान के पीछे, उस दूसरे आदमी के पास। जाके देखो उसे। वो मिल गया। मार दो उसे। नाडिया। फुआद। नहीं 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 फुआद। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। नादिया, मुझे ये यकीन है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो तुम्हें सारी खुशियां देगा। तुम उसके साथ खुश रहना, मुझे भूलोगे तो नहीं ना? अगले जन्म में तुम मेरी होगी। इमोशनल कर दिया। पकड़ो उसे। आखिरकार आज मेरी मुलाकात मशहूर जैक हंटर से हो ही गई। तुम काफी समय से मेरी आंखों की किरकिरी बने हुए हो। लिटमैन, आज मैं वो काम कर देता हूं जो तुम कभी नहीं कर पाए। जैक, मैं भी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खत्म कर दो सबको। चलो 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 आगे। Ha ha ha!
नहीं पता। अब बचना मुश्किल है। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है। लेटमैन पर जल्दी से गोली चलाओ। इस दिन का इंतजार था। सब बर्बाद कर दिया जैक। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इस बार मैं तुम्हारी जान लेकर आऊंगा जैक। तुम इसे ढूंढ रहे हो ना? उसे छोड़ दो वरना इसे मार दूंगा। तुम क्या चाहती हो नादिया? स्टार या जैक? अच्छी तरह सोच लो नादिया। तुम्हें जैक चाहिए या स्टार? इंसानियत की भलाई के लिए जो सही रहेगा।
तुम्हारे पासपोर्ट्स। मैंने इन्हें इंस्पेक्टर फाटी से लिया है, मगर उसकी एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जल्द से जल्द ये देश छोड़ दोगे। अब तुम लोग जा सकते हो। डायरेक्टर से तुम्हारी क्या बात हुई? बस ये समझ लो कि मैं कुछ दिनों तक उनकी फेवरेट एजेंट नहीं रहूंगी, लेकिन अब वो स्टार किसी के पास नहीं है तो मुझे किसी की फिक्र नहीं। सही कहा, हम अजनबी नहीं है जैक। तक आई क्यों नहीं? बस आती ही होगी तारिक, दो मिनट सब्र तो रखो। 10 साल हो गए, शादी के बाद इतने साल कम नहीं होते हैं। हाँ, और उसने कहा है कि अगर मैं उसे छुट्टियों में यहाँ नहीं लाया ना तो अगली बार और ज्यादा लंबे समय तक मेरे साथ रहने वाली है। सोच रहा था कि अब कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। ग्रीस जाने की सोच रहा हूँ, साथ चलोगी? हाँ शायद।